बात नहीं है। आप क्या जितना बढ़ा के चलान काटना इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, फैले हो मुझे आएगा जब सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा, ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की, मैं तो हेरूंगा। पुलिस कर्मी को धमकी देते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में एक शख्स पुलिस कर्मी पर मनमानी का आरोप लगाकर सरकार आने पर जिला छुड़वाने की यानी जिले से ट्रांसफर कराने की पुलिस कर्मी को धमकी देता देखा जा सकता है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बता दे, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे, जितना बढ़ा के चलान काटना इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खाएगा वो मुझे आएगा जब सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा, ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की, मैं तो हेरूंगा। बस वो बता देंगे, बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी तो बता देना। जानकारी के अनुसार घटना 13 जनवरी 2022 गुरुवार की शाम चंदौसी चौराहे पर चेकिंग के दौरान की बताई गई है। चेकिंग के दौरान अशरफ को पुलिस कर्मियों ने रोक लिया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। अशरफ ने पहले किसी नेता से फ़ोन पर पुलिसकर्मी की बात करवानी चाही। पुलिसकर्मी ने हेलमेट न लगाने पर चालान करने की बात कही तो इसी बात पर अशरफ भड़क गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने अशरफ का वीडियो बना लिया। वीडियो में अशरफ ने अपने पीछे एक नाबालिग लड़के को भी बिठाया हुआ है और उसने भी हेलमेट नहीं पहना है। आपको क्या खाओगे, जितना बढ़ा के चलान काटना इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खाएगा वो मुझे आएगा जब सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा, ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। थोड़ी नोकझोंक के बाद पुलिस कर्मी ने उस व्यक्ति की बाइक का चालान कर दिया, जिसके बाद व्यक्ति भड़कता हुआ पुलिस से ये कहता नजर आ रहा है कि सरकार बदलने पर तुम्हारा जिले से ट्रांसफर करा दूंगा, या तो आप ही इस जिले में रहेंगे या फिर मैं। सरकार आएगी, मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा, ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सरकार बदलने पर जिले से ट्रांसफर करा देने की धमकी दी है, उसे लगता है कि आने वाले चुनाव में इनके चाचा ही विधायक बनेंगे। खैर, जानकारी मिली है कि संभल पुलिस अब इस वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कर रही है। मैं मोहम्मद अशरफ सन ऑफ अब्दुल हक निवासी दसपुर मियां सराय का रहने वाला हूं, और ये तीन दिन पहले की जो वीडियो वायरल हो रही है। मेरा फोन में पहले भी चालान हो गया था और फिर मेरा चालान हो रहा था, तो मैं तेज में आ गया था और मैंने जो है जो भी अल्फाज मैंने कहे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो सिर्फ ऑल इंडिया जमीयतुल महिम का एक पदाधिकारी हूँ और मैं इस मामले में सभी से क्षमा चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।